वर्ब सीखेंगे। आज मैं आपके लिए 5 मेन वर्ब्स इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आज की पहली जो वर्ब है वो है छिलना, PELL, पिल, इसका मीनिंग होता है छिलना। जैसे हम कोई भी सब्जी फल छिलते हैं तो उसके लिए हम इस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आलू मत छिलो, डोंट पिल पटेटो। नेक्स्ट वर्ब है आज की लाना, BRING, ब्रिंग, जिसका मतलब होता है लाना। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु आप लाने के लिए जब कहें तो इसके लिए आप लाना शब्द के लिए ब्रिंग का यूज़ करें। मेरे लिए पानी लाओ, ब्रिंग वाटर फॉर मी। थर्ड वर्ब है आज के हमारे पास में पीटना। जैसे हमने देखा है कि बहुत बार कुछ लोग किसी को पीट देते हैं या फिर मम्मी बच्चों को पीटती है, कोई भी किसी को भी पीटे तो हम शब्द का यूज़ करेंगे बीट का, ठीक है, BEAT, बीट। उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। अगली वर्ब है हमारे पास आज की अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़, इसका हिंदी में मीनिंग होता है गाली देना। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे लोग गाली देते हैं किसी को भी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अब्यूज़ का। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम। और आज की लास्ट वर्ड है हमारे पास में सोचना। जैसे हम सब सोचते हैं कुछ ना कुछ, तो सोचना वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में थिंक का, THINK, थिंक। इसमें इंक शब्द छुपा हुआ है, किसी को अगर नहीं याद हो तो आप इंक शब्द के आगे TH लगाकर इसको याद कर लें, थिंक को। कुछ सोचो, थिंक समथिंग। कुछ के लिए मैंने यहाँ समथिंग वर्ड का यूज़ किया है। तो आज हमने ये 5 वर्ब्स सीखी। इसी प्रकार की और मैं वर्ब्स लाती रहूँगी, तो आप मुझे YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।